शिवसेना ने किया भारत बंद के समर्थन में हाईवे पर चक्का जाम। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी की मांग, किसानों को न्याय दो मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार का चरण चाहे, हरी दुर्गा वर पाए, केंद्र सरकार का चरण चाहे, हरी दुर्गा वर पाए, केंद्र सरकार का चरण चाहे, हरी दुर्गा वर पाए। आवाज कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को समर्थन करते हुए शिवसेना ने तुर्बे स्टोर्स हाईवे पर चक्का जाम किया। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हाईवे पर वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि काले कानून को रद्द करते हुए नया कानून लाए और किसानों को न्याय दे। आज के जो भारत देश में जो किसानों सब आज आंदोलन जो कर रहे हैं, आज इस जगह पे जो कृषि कायदा जो उन्होंने जो मंजूर किया वो रद्द होना चाहिए, जो किसान लोग को उस जगह पे कुछ न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे किसान आज भारत देश में सभी आज बंद के आह्वान किए, यहाँ पर भी हमारा शिवसेना की तरफ से भी उनको आह्वान दिया है कि उनको जाहिर पाटिंबा है उस जगह पर, और किसान लोग को जितना हो सके उतना मोदी सरकार उनको जो भी किसान लोग को उनको जितना भी जो कायदा जो बनाया वो कायदा रद्द करके उनको न्याय मिलना चाहिए, इतना हमारा कहना। इस अवसर पर शिवसेना के कई अन्य पदाधिकारियों ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए किसानों के हित में तत्काल निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान देश के आधार हैं, मोदी सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। ये आज क्या कर रही है सरकार, एक तो लोगों को रोजी रोटी नहीं है, लोग ऐसे परेशान है, उसमें शेतकड़ी कामगार पर इतना बड़ा अन्याय, शेतकड़ी लोगों पर इतना अन्याय क्यों? ये सरकार इतनी इतनी निकम्मी है जो किसी की भलाई नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे पक्ष के नेतृत्व में, हमारे कुलकर्णी साहब के नेतृत्व में, ये तुर्बा विभाग के सामने हम लोग ने इधर पर चक्का जाम करने की कोशिश की है, पर पुलिस प्रशासन ने हमको रोक दिए। तत्पर हमने पुलिस प्रशासन का मान सम्मान रखकर हम लोग ने जितना है उतना आंदोलन हमने कर चुके हैं। इसके बारे में हम और ज़्यादा बोलने से आगे जो आने वाला कल अगर इससे ही तीनों आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे, इसमें फिर क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप देख लो। आप आज सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज देशभरामध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो कायदा आणलेला आहे केंद्र सरकारने, त्या कायद्याच्या विरोधात आम्ही आज मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जमलेलो होतो। रस्ता रोको थोड्या वेळा केला होता, परंतु प्रशासनाने आम्हाला थोडीशी या ठिकाणी काळजी घेण्याचं काम करण्याचं सांगितलं। नंतर आम्ही या ठिकाणी थोड्या वेळातच रस्ता खुला करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दखल घेऊन आम्ही या ठिकाणी रस्ता रोको बंद केलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।